शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में दाखिल ईडी के जवाब ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। ईडी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में हुए आय की प्रमुख लाभार्थी है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है और आपने शराब घोटाले से मिले करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव अभियान में किया।